हेलो एवरी आज का सम है अंडर रूट नाइन इंटू अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन इक्वल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन टू दी पावर और यहाँ पर हमें यक्स yes का वैल्यू फाइंड करना है इस टाइप के सम में फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड का बेस देखें नाइन है और राइट हैंड साइड में सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन है इसलिए सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन को हम फैक्ट्राइज कर लेते हैं और इसको हम नाइन के बेस के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तब नाइन एट्टी वन जा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन 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 जा एटी वन यानी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन को हम लिख सकते हैं नाइन टू दावर वन टू थ्री यानी नाइन क्यूब और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट नाइन इंटू अंडर रूट नाइन इंट अंडर रूट नाइन इक्वल टू नाइन क्यूब टू पावर एक्स और अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन इक्वल टू नाइन टू दावर थ्री इंटूक्स थ्री एक्स ऐसा ही इसलिए कारण ए टू पावर यम टू पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर यम इंटू यन यानी पावर, 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 पावर मल्टीप्लाई हो जाता है अब सेकेंड स्टेप में मुझे लेफ्ट हैंड साइड से अंडर रूट को हटाना है तो इसके लिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तब ये हो जाएगा अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन होल स्क्वायर इक्वल टू एंड राइट हैंड साइड में नाइन टू द पावर थ्री एक्स स्क्वायर और यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्क्वायर एंड अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गया बच गया नाइन इंटू अंडर रूट नाइन इंटू अंडर रूट नाइन इक्वल टू राइट हैंड साइड में फिर से हम ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तब ये हो जाएगा नाइन टू दावर थ्री एक्स इंटू टू दैट इज सिक्स एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अभी भी अंडर रूट में टर्म है इसलिए अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर करेंगे तब ये हो जाएगा नाइन इंटू अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन होल स्क्वेयर इक्वल टू राइट हैंड साइड में नाइन टू दावर सिक्स होल स्क्वेयर और एक्सपोनेंट में ए इंटू बी टू दावर यम इक्वल टू ए टू दावर यम इंटू बी टू दावर यम होता है एक्सपोनेंट इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तभी हो जाएगा नाइन स्क्वेयर इंटू अंडर रूट नाइन अंडर रूट नाइन होल to to power इक्वल टू नाइन टू दावर सिक्स टू जै टाइन स्क्वेयर इंटू यहाँ देखे स्क्वेयर एंड अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गया बच गया नाइन अंडर रूट नाइन इक्वल टू नाइन टू दावर ट्वेल्व एक्स और नाइन square into नाइन इसके लिए यहाँ देखे ए टू दावर एम इंटू ए टू power एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस यन होता है यानी बेस अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है यहाँ भी देखे नाइन स्क्वेर एंड नाइन दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 9 2 1। यहां 9 के पावर कुछ नहीं, तो वन है इसलिए इसको लिख सकते हैं नाइन क्यूब इन टू अंडर रूट नाइन इक्वल टू नाइन टू पावर ट्वेल्व अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अंडर रूट में टर्म है इसलिए फिर से इसको हम स्क्वेरिंग बोथ साइड्स करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर करेंगे तभी हो जाएगा नाइन क्यूब अंडर रूट नाइन होल स्क्वेयर इक्वल टू और राइट हैंड साइड में हो गया नाइन टू दावर ट्वेल्व एक्स होल स्क्वेयर और इसको हम लिख सकते हैं नाइन क्यूब होल स्क्वेर इन टू अंडर रूट नाइन होल स्क्वेयर इक्वल टू नाइन टू पावर ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर यक्स और नाइन टू पावर थ्री टू जा सिक्स इन टू यहाँ स्क्वेयर एंड अंडर दोनों कैंसिल हो गया बच गया नाइन इक्वल टू नाइन टू दावर ट्वेंटी फोर यक्स और नाइन टू पावर सिक्स प्लस वन यानी सेवन इक्वल टू नाइन टू द पावर ट्वेंटी फोर यक्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड हैं राइट हैंड साइड हैं, दोनों में देखें बेस सेम है इसलिए पावर इक्वल होगा और हम लिख सकते हैं सेवन इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ट्वेंटी फोर ऐसा इसलिए कारण यहाँ हमें यक्स का वैल्यू फाइड करना है और का काफिशियन ट्वेंटी फोर है तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा सेवन बाय ट्वेंटी फोर इक्वल टू राइट हैंड साइड में ट्वेंटी फोर एक्स बाय ट्वेंटी फोर राइट साइड में देखिए ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर कैंसिल हो गया और लिख सकते हैं सेवन बाई ट्वेंटी फोर इक्वल टू एक्स और यही एक्स का वैल्यू होगा लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू